रानी बड़ी मशीन और केशव, चक्रधरपुर टाटा, झारखंड। देखिए दोस्तों, ये रोस्टर मशीन में किस प्रकार आग जलाना पड़ता है और कैसे कितना आग जलाना पड़ता है, देख लीजिए दोस्तों। ज़्यादा नहीं, 5-6 लकड़ी घुसा दीजिए, वो पूरा हीट कर देगा। और ये देखिए दोस्तों, हम आपको आज मूढ़ी दिखा रहे हैं। एक नेपाल का आदमी फोन में पूछ रहा कि मूढ़ी सफ़ेद होता है कि लाल होता है। भैया, अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, मूढ़ी पूरा सफ़ेद बनेगा। कढ़ाई में आप गरम कीजिए बढ़िया से, नमक पानी मिलेगा एक कढ़ाई में, बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप 3 कढ़ाई में गरम करके रोस्टर में डालिए तो मूढ़ी पूरा सफ़ेद निकलेगा और पूरा ही बढ़िया क्वालिटी का मूढ़ी निकले, पूरा हल्का मूढ़ी। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्तों कितना अच्छा मूढ़ी है। इसमें आपको सक्सेस होगा, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा काम करने में भी। अरे ये मशीन कोई भी आदमी चला सकता है, महिलाएं भी चला सकता है, बहुत जगह महिलाएं चला रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए मूढ़ी बनने के बाद इसको हौदा में रखना पड़ता है। ये देख रहे हैं, चावल गरम किया हुआ चावल है, ये रोस्टर में जाएगा। ये कढ़ाई मशीन है भैया, इसमें आप मूढ़ी भी बना सकते हैं, चावल भी गरम कर सकते हैं। ये दो प्रकार का काम करता है, नमक पानी भी मिला सकते हैं इसमें। फिर से मैं आपको मूढ़ी का क्वालिटी दिखा रहा हूँ, देखिए ये रोस्टर में मूढ़ी बनता है कितना बढ़िया। ये 200 किलो वाला रोस्टर है दोस्तों, आपको आप आइए रानी वाणी मशीन वर्कशॉप, मशीन को चला के देखिए, पसंद होगा तो लीजिए। कढ़ाई मशीन भी अवेलेबल है, रोस्टर मशीन भी अवेलेबल है। 100 किलो से 200 किलो, 300 किलो तक रानी मूढ़ी मशीन और कसब में रोस्टर बनता है। देखिए दोस्तों मूढ़ी कैसा निकल रहा है, बहुत ही मज़ेदार मूढ़ी, बहुत ही टेस्टिंग मूढ़ी, देख लीजिए दोस्तों। देखिए मैं आपको बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कढ़ाई मशीन का स्टैंड को थोड़ा देर में पेंटिंग किया जाएगा और ये रोस्टर अंदर वाला बन के तैयार है। अब इसका बॉडी बनेगा, देख रहे हैं दोस्तों आगे में जो है ये रोस्टर, रोस्टर मशीन ने 200 किलो वाला, और ये मशीन भी ऑर्डर किया हुआ है। दो मशीन ऑर्डर किया, और एक मशीन बन के दो मशीन रांची चल जाएगा। देखिए कैसा प्रिंटिंग होता है कढ़ाई मशीन किया जा रहा है। स्प्रे करना बहुत ही कम समय में मशीन से रंग पेंट होता है, मशीन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।